सासनी, कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन के दौरान मुस्तैदी से ड्यूटी करने वाले कोरोना पुलिस योद्धाओं का गांधी चौक में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जोशीला स्वागत किया। इतवार को स्वागत करते हुए व्यापार मंडल के दिनेश चंद्र वार्ष्णेय ने कहा कि पुलिस समाज को सुधारने के लिए दिन रात मेहनत करती है। वहीं कोरोना वायरस के प्रति लगाए गए लॉकडाउन में पुलिस कर्मियों ने पूरे दिन रात खड़े होकर गुजारे हैं और सासनी को इस महामारी से बचाया है। उन्होंने कहा कि जहां पुलिस लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर सख्त दिखाई दी, वहीं लोगों को समझाते हुए लॉकडाउन का उल्लंघन न करने के लिए कोरोना वायरस से बचने के उपाय बताए। संवाददाता सुनील कुमार शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मैं मोहन कुमार। ये जो जगह है वो कौन सा क्षेत्र है? गांधी चौक सासनी। अरे ये प्रोग्राम आपने प्रशासन के लिए किया है, क्यों किया? प्रशासन के लिए, इन्होंने यहाँ पे बहुत बहादुरी का काम किया है। कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं मतलब आया है। हमारे यहाँ मतलब बहुत शुद्ध साफ सब चीज मिल रही है। व्यवस्था बहुत बढ़िया है यहाँ पर। पुलिस वालों की जितनी व्यवस्था तातारी की जाए उतना थोड़ा है भैया। ये पुलिस प्रशासन के लिए आपने फूलमाला पहराई गई है, किस उद्देश्य के लिए, किस मामले के? इतना उसका मतलब सराहनीय काम है कि पूरी सासनी को इन्होंने सुरक्षित और पूरा अपना जिस तरह से कहने चाहिए उनका इतना बड़ा सहयोग रहा है सासनी की पब्लिक के लिए। ये मैं इनका कृतज्ञ है इनके लिए। ऐसे हमारे चेयरमैन साहब लालता प्रसाद जी का इन्होंने पूरी सफाई अभियान का अपना पूरा ध्यान रखा है इस लॉकडाउन में। इनका बहुत